हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में सोलेनोइड पढ़ा था, सोलेनोइड क्या करता है? जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सेम डिवाइस अपने पास है टोरॉइड। टोरॉइड भी क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यदि हम सोलेनोइड को एक सर्कुलर में क्या करते, सर्कल में क्या करते हैं, बैंड करते हैं, बैंड, और जो उसके एंड है उसको क्या करते हैं, ज्वाइन, तो अपने पास क्या मिलता है, एक टोरॉइड मिलता है। मतलब एक अपने पास सर्कल है, रिंग, उस पे क्या करनी है आपने, वायर इस तरीके से बैंड करनी है, वाउंड करते हुए चलना है, और लास्ट में इन दोनों वायर को क्या करना है, जो दोनों एंड्स हैं उसको क्या कर देना है, ज्वाइंट। तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, अपने पास एक टोरॉइड बनता है। तो टोरॉइड क्या हो गया, एंडलेस हो गया। टोरॉइड क्या है, जो टोरॉइड है अपने पास क्या हो गया, एंडलेस, मतलब दोनों एंड को क्या कर दिया आपने, ज्वाइंट कर दिया। और ये क्या करता है, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस जो टोरॉइड था अपने पास, इस टोरॉइड में इसके कारण क्या करना, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आउटसाइड देख सकते हैं, इस जो क्वाइल बनी है इसके अंदर देख सकते हैं, और इनसाइड सर्कल के इनसाइड अंदर की तरफ। तो इसमें जो है तीन पॉइंट बनते हैं। तो पहला पॉइंट है अपने पास ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट एट सेंटर ओ। अब क्या करते हैं, अप्लाई एम्पियर सर्कुटर लॉ। किस पे करते हैं, एट पॉइंट, फर्स्ट केस एट पॉइंट ए। तो अपने पास क्या था, किसके लिए लगता है एम्पियर सर्कुटर लॉ, एक क्लोज लूप के लिए। लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन आई। आई क्या है, करंट पास हुआ है एक क्वाइल में से, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो ये क्वाइल से अपने पास, नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल करंट क्या हो गया, एन आई। अब करंट पास हुआ इस तरीके से, देखो ये गया, फिर ये आया, फिर ऊपर चला गया। तो एक बार अप है, एक बार डाउन हुआ। तो आउटसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या बनेगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, जीरो, क्योंकि करंट क्या हो गया, जीरो हो गया आउटसाइड। तो इसके लिए जो क्लोज लूप कंसीडर करते हैं, ये कंप्लीट ही क्या है, आपके पास है? एक सर्कल है कंप्लीट, इसकी जो रेडियस है वो हो गई अपने पास आर वन, फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप के कारण। तो अपने पास आ गया बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
यही है। और DL के भी डायरेक्शन क्या है, ये तो सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एंगल जीरो, और म्यू नॉट आई क्या हो गया, जीरो। तो कि अप साइड गया है, फिर क्या आया है, डाउन साइड, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ है B DL किसके इक्वल आ गया, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट लूप के कारण आ गया B1 इक्वल जीरो। फिर आता है सेकंड केस, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पे देखते हैं। बी के लिए भी क्या करेंगे, एक लूप कंसीडर करते हैं। इसके लिए जो रेडियस हो गई आर टू, और इसके लिए ये जो है ये लूप है, ये कंप्लीट आएगी इसमें से ही। तो इसके लिए क्या आ गया अपने पास, क्लोज लूप के लिए B.DL इक्वल म्यू नॉट NI। वही एंगल क्या आएगा, इसमें भी सेम है, तो क्या आ गया B.DL इक्वल म्यू नॉट NI। टोटल जो करंट पास हुआ है कितना हुआ है इस सर्कल में से, NI। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो DL है ये किसका एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट है सेकंड लूप का, किसका है, सेकंड लूप का। तो स्मॉल एलिमेंट का जब इंटीग्रल करते हैं तो क्या आएगी, टोटल लेंथ क्या आती है, टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ क्या होगी, इसका सर्कमफेरेंस। तो आ गया अपने पास B2 टू पाई आर टू इक्वल म्यू नॉट NI, और B2 आ गया अपने पास म्यू नॉट NI अपॉन में टू पाई आर टू, एन अपॉन में टू पाई आर टू क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, तो क्या हो गया B2 म्यू नॉट NI, क्या आ गया म्यू नॉट NI। केस नंबर थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, सी पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये जो रेडियस है ये हो गई R3, तो ये क्या हो गया इसका क्लोज लूप हो गई। तो B3 DL म्यू नॉट NI, और ये क्या होगा क्लोज इंटीग्रल। इसमें भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड वो क्या होता है, जीरो होता है, आउटसाइड भी जीरो, इधर भी जीरो। ओनली मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, क्लोज लूप के अंदर मिलता है, जो ये सर्कुलर। तो क्या आ गया B3 इक्वल 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
क्या आ गया? बी इक्वल बी वन बी टू प्लस बी थ्री। इसके लिए जो बी वन के लिए आया अपने पास 0, बी टू के लिए आया है म्यू नॉट एन आई, और बी थ्री के लिए क्या आया है 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई। इसका यूज कहाँ करते हैं? टोरॉइड और जो सोलेनोइड है इसका यूज करते हैं, यूज टीवी में, रेडियो में, एम्पलीफायर में, लगभग सभी जगह टोरॉइड और सोलेनोइड का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है। थैंक यू। सिर्फ ये याद रखना है टोरॉइड में क्या होता है, एंडलेस है, और किस में होता है, एक सर्कुलर रिंग पे क्या करते हैं, कॉपर वायर क्या करते हैं, वाउंड करते हैं। थैंक यू।